तो भाई रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में रोमन रेंस तो हार रहे अपने अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। तो भाई रोमन रेंस का फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या रोमन रेंस WWE में रहेंगे या नहीं? क्या रोमन रेंस द ब्लड लाइन के हेड रहेंगे या नहीं? तो भाई इसके ऊपर एक बहुत बड़े एक्सपर्ट ने बहुत बड़ी बात कह दी है, एंड देन भाई रूमर्स भी कुछ बहुत बड़ी चीज एंड बहुत शॉकिंग चीज बता रही है। तो भाई इस वीडियो को पूरा लास्ट देखिए, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और भाई कमेंट में जरूर बताइएगा कि रोमन रेंस जीतने वाले हैं कोडी रोड्स। भाई अपने ओपिनियन को जरूर शेयर कीजिएगा। देखते हैं भाई रोमन रेंस ज्यादा ऑड्स में आगे हैं कमेंट सेक्शन में या कोडी रोड्स जड़े ऑड्स में आ गए हैं कमेंट सेक्शन में। तो भाई अभी के हिसाब से कोडी रोड्स पूरी तरह से क्लियर फेवरेट हैं, रोमन रेंस को हरा देंगे। एंड देन भाई कमेंट में तो नहीं पता, ऑड्स में भाई रोमन रेंस पूरी तरह से हारने वाले हैं, अंडरडॉग है रोमन रेंस। एंड देन भाई आपको बता दूं रोमन रेंस का फ्यूचर बहुत ही डेंजरस हो जाएगा अगर रोमन रेंस अपने अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हार जाते हैं। तो भाई कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि रोमन रेंस अगर टाइटल को हारते हैं रेसलमेनिया में तो भाई रोमन रेंस सीधे एक लंबे ब्रेक पे चले जाएंगे, जो कि WWE में रोमन रेंस के फैन को पूरी तरह से निराश करने वाली बात है। रोमन रेंस उसके बाद से भाई हॉलीवुड में चले जाएंगे एंड रोमन रेंस अपने करियर को हॉलीवुड में बनाने के लिए चले जाएंगे। तो भाई बेटर यही रहेगा कि रोमन रेंस अपने ऐसे ही जो टाइटल रन है उसको आगे बढ़ाएं, एंड देन भाई कोडी रोड से हारे ना रेसलमेनिया में। एक आध दो मैच जो हमें देखने के लिए मिल रहा है भाई वो अभी नहीं देखने को मिलेगा। फिर ऐसा कुछ रूमर्स का मानना है कि भाई रोमन रेंस 3-4 महीने के लिए ब्रेक पे जाएंगे एंड फिर समर स्लैम में रिटर्न करेंगे अपना, जैसे कि इस बारी पहले भाई फिंड पे अटैक किए थे एंड ब्रॉन स्ट्रोमन पे अटैक किए थे रोमन रेंस, उसी टाइप का रिटर्न करेंगे एंड फिर कोडी रोड पे अटैक करेंगे फिर से जाके। कोडी रोड्स तो पूरी तरह से आपको पता ही होगा कि WWE अपने चैंपियनशिप को स्प्लिट कर रही है, तो कोडी रोड्स अगर चैंपियन बन जाते हैं तो उसके बाद से भाई कोडी रोड जो भी चैंपियन रहेंगे WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन या यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने पास रखेंगे, तो उसके लिए रोमन रेंस कोडी रोड्स को मतलब चैलेंज करेंगे फाइट के लिए। ऐसा कुछ भाई रूमर्स का कहना है। एंड देन भाई एक्सपर्ट का ये कहना है कि रोमन रेंस एक लंबे ब्रेक के लिए चले जाएंगे। एंड देन भाई हाल ही में जॉन सीना ने भी रोमन रेंस के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी थी। जॉन सीना के हिसाब से रोमन रेंस WWE के सबसे बेस्ट सुपरस्टार हैं। अगर 10 साल के करियर को देखा जाए पीछे से अभी तक, तो भाई जॉन सीना के हिसाब से रोमन रेंस से बेस्ट कोई भी नहीं सुपरस्टार है। अब सोच लीजिए भाई जॉन सीना रोमन रेंस को गॉड कह दिए हैं, तो भाई अब जॉन सीना और रोमन रेंस के फैन अपने में लड़ना मत, और जॉन सीना और रोमन रेंस के फैन जो हैं वो कंपेरिजन करते हैं जॉन सीना एंड रोमन रेंस में, तो भाई आप जान लीजिए कौन बेस्ट है। इस टाइम रोमन रेंस बहुत ही आगे चल रहे हैं, भाई जॉन सीना तो एक अलग लेवल के सुपरस्टार हैं ही। एंड देन भाई कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच में भाई कोडी रोड्स WWE के अनडिसिप्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले हैं, ये कुछ रूमर्स ऐसा बता रहे हैं कि 70% चांसेस WWE ऐसा बना रही है, जो कि वहाँ के WWE के क्रिएटिव हेड जो हैं वो ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अगर रोमन रेंस WWE टाइटल को हारते हैं तो भाई 70% चांसेस हैं जो कि रोमन रेंस अनडिसिप्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हार जाएंगे रेसलमेनिया में, 30% ही चांस है कि रोमन रेंस टाइटल को रिटेन करेंगे। अगर भाई कुछ शॉकिंगली WWE को लगता है कि रोमन रेंस को हरवाना नहीं चाहिए, टाइटल को रिटेन करवा देना चाहिए, तो भाई वहाँ पर जाके रोमन रेंस अपने टाइटल को एलिमिनिया में एट दी एंड रिटेन कर सकते हैं। अभी भाई पूरी तरह से प्लान ये नहीं है कि रोमन रेंस टाइटल हार जाएंगे या कोडी रोड्स टाइटल जीतने वाले हैं। अभी भाई रेसलमेनिया के लिए जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा रही है, एंड देन भाई इसकी स्क्रिप्ट ऐसा कुछ माना जा रहा था रूमर्स का कि 2-3 महीने पहले से लिखा जा चुका है एंड कोडी रोड्स रॉयल रंबल से ही क्लियर फेवरेट हैं जीतने के लिए, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। अभी रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के मैच में स्क्रिप्ट लिखा नहीं गया है, एंड देन भाई अगर रोमन रेंस टाइटल को हारते हैं तो ये कन्फर्म है कि वो ब्लड लाइन को छोड़ देंगे, एक लंबे ब्रेक पर चले जाएंगे। तो भाई वीडियो चला हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस।